अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एजुकेशनल ग्रुप। एक बार फिर आपके साथ हाजिर है सर मिलान एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, जैसे कि मैं आपके साथ पीएचडी जेएसटी के हवाले से वीडियो शेयर करता हूं, और अभी तक मैं आपके साथ जो है जनरल साइंस के एमसीक्यूज, मैथमेटिक्स के बेसिक ऑपरेशंस और इंग्लिश के सिनोनिम्स और एंटोनिम्स और सिंधी ग्रामर की वीडियोज़ जो हैं वो शेयर कर चुका हूँ। और इसके अलावा मैं आपके लिए पीएचडी जेएसटी की गाइडेंस की वीडियोज़ भी शेयर करता हूँ, जिसमें आपको पीएचडी जेएसटी में ऑनलाइन अप्लाई करने के हवाले से जो भी आपके साथ प्रॉब्लम्स, जो भी आपके साथ मसले पेश आते हैं, तो आप मुझसे कमेंट्स के जरिए जो है वो सवाल पूछते हैं, और मैं आपको कमेंट्स के जरिए उनके जवाब भी देता हूँ, और मैं उस टॉपिक पे वीडियोस भी बनाता हूँ ताकि आप मज़ीद जो है आसानी से वो बात समझ सकें। तो दोस्तों, कुछ आपके सवालात के जो जवाबात होते हैं वो बहुत ही डिस्क्रिप्टिव होते हैं, और वो कमेंट में लिखना बहुत ही मुश्किल होता है। तो उसके लिए जो है मेरे चैनल के अबाउट में जो है व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप जो है मुझसे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और वहाँ पे मुझसे जो है वो सवालात पूछ सकते हैं, जिसमें मैं आपको आपके उस सवाल का जवाब जो है वो वॉइस के ज़रिए दूंगा। क्योंकि आपके काफ़ी सारे कमेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें मैं जो है कमेंट के ज़रिए उसका जवाब नहीं दे पाता। बाकी जो आपके सिंपल कमेंट्स होते हैं जिसका 1 लाइन या 2 लाइन या 3 लाइन्स में जवाब होता है, तो वो मैं वहाँ पे लिख के जवाब दे देता हूँ कमेंट में। तो दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन को, ताकि आपके पास हमारे चैनल की मज़ीद वीडियोज़ जो हैं वो आसानी से पहुँच सकें। तो दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक ये है कि काफ़ी सारे दोस्त जो हैं वो सवाल पूछ रहे हैं कि सर, हमारी बैचलर्स की डिग्री की जो परसेंटेज है वो 50% से कम है, तो हमें क्या करना चाहिए? हमारा जो है मैट्रिक में भी ए ग्रेड है, और हमारा जो है इंटर में भी ए ग्रेड है या वन ग्रेड है, या फिर हमारी जो मैट्रिक और इंटर में परसेंटेज जो है वो 50 से ज़्यादा है, 60 है, 70 है, लेकिन हमारी बैचलर्स की जो परसेंटेज है वो 50% से कम है, तो हमें क्या करना चाहिए? तो काफ़ी सारे जो है दोस्त ये सवाल कर रहे हैं कि हमें इसमें क्या करना चाहिए। तो उनके लिए जवाब है कि अगर आपकी बैचलर्स की 50% कम है तो आपको अप्लाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो 50% की डिग्रीज जो है वो कैंसिल कर रहे हैं। और यहाँ पे काफ़ी सारे दोस्त ये सवाल कर रहे हैं कि सर, हमारी जो बैचलर्स की डिग्री जो है उसमें हमारी परसेंटेज तो 50% है, लेकिन हमने मास्टर्स भी कर रखा है, और मास्टर्स की हमारी जो परसेंटेज है वो 50% से ज़्यादा है, तो क्या हम बैचलर्स की डिग्री की जगह जो है वो मास्टर्स की डिग्री अपलोड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो दोस्तों, देखें कि जैसे जॉब की क्राइटेरिया के हवाले से उसमें जो लास्ट डिग्री दी गई है वो बैचलर्स दी गई है, यानी कि आपकी कम से कम जो डिग्री हो वो बैचलर्स हो। अभी इस जॉब के लिए जो है वो अप्लाई भी हमें ऑनलाइन करना पड़ रहा है, और ऑनलाइन अप्लाई करते वक्त जो है वहाँ पे हमारी लास्ट डिग्री का जो ऑप्शन है वहाँ पे बैचलर्स का है, यानी कि बैचलर्स से ज़्यादा डिग्री का वहाँ पे ऑप्शन कोई नहीं है। तो अगर वहाँ पे कोई ऑप्शन ही नहीं है तो क्या हम बैचलर्स की डिग्री की जगह मास्टर्स तो अटैच नहीं करेंगे? अगर हम मास्टर्स अटैच करेंगे तो ये तो गलत हो जाएगा, तो फिर ये तो हमारा फॉर्म जो है वहीं के वहीं रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि उनके क्राइटेरिया के ख़िलाफ़ हम जाएंगे, तो हमें जो है मास्टर्स की डिग्री वहाँ पर अपलोड नहीं करनी है। अगर आपकी जो है बैचलर्स की डिग्री में 50% से कम है तो आपको अप्लाई करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और आपका जो सवाल था इसमें वो आपको क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आपका सवाल जो है वो क्लियर नहीं हुआ तो आप जो है कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, और कमेंट में मैं आपको रिप्लाई करूँगा। और अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन को। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।